और गाइस वेलकम बैक टू चैनल। होप यू गाइस एब्सोल्युटली डूइंग वेल। सो अभी एक अच्छा मतलब सीन हुआ मेरे साथ में। थोड़ा सा एक भाई ना मतलब राउंड लगा रहा था एनएससी, उस भाई पे भी। सो वो बंदा मतलब दो तीन राउंड लगा के गया और लास्ट में ना उसने मुझसे पूछ ही लिया कि भाई आपका चैनल का नेम क्या है, और मतलब इंस्टाग्राम वगैरह पे उसने मेरे को कनेक्ट किया भाई ने। सो वही पूछ रहा था कि राइड्स वगैरह कैसे करते हो कोलैब वगैरह करने के लिए बाद में। तो काफ़ी अच्छा सीन हो गया अभी। सो अभी पहले मैं एक सेकेंड इसको कैमरे को चला लेता हूँ। तो भाई को मैंने चैनल का नेम वगैरह सब बता दिया है, तो वो भाई ने सब्सक्राइब वगैरह किया और इंस्टाग्राम पे उन्हें फॉलो वगैरह सब कुछ कर दिया। सो अभी जो है बाद में वीडियो वीडियो देख लेंगे कि कैसा बनाना है भाई के साथ में। सो लेट्स सी, बाकी अपन जो वीडियो शूट करना है वो कर लेते हैं एक बार। सो ये तो हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया है। तो भाई चलो निकलते हैं यहाँ से एक बार। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है बाइक के ऊपर में। मतलब जो कुछ बिगनर्स होते हैं वो क्या क्या गलतियाँ कर देते हैं बाइक सीखते टाइम, चलाते टाइम। सो वही सारी चीज़ें अपन जो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में। सो वीडियो पूरा देखना एंड तक भाई, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। सो निकल लेते हैं पहले एक बार रोड की साइड, देन बात करते हैं आगे चल के। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि मतलब ना आप लोग जो है गाड़ी की लाइफ को कैसे बचा सकते हो, तो वो सारे टिप्स मैं आज दूंगा इस वीडियो के अंदर मैं आपको। तो चलते हैं यार एक बार ना आगे, यहाँ से निकालता हूँ। बाकी मेरे को कैमरा का व्यू चेक करना है कि कैसा आ रहा है अभी। तो ठीक आ रहा है वैसे तो, हाँ ठीक आ रहा है। सो चलो भाई एक बार मोबाइल को जेब के अंदर रख लेते हैं, देन निकल लेते हैं आगे की तरफ। हाँ तो कुछ टिप्स देने वाला हूँ बस मैं, तो बिगनर्स गलतियाँ कर देते हैं अपने चलाते टाइम में, तो वो गलतियाँ ये हैं कि जो पहली गलती करते हैं जो बिगनर्स मतलब बाइक सीख रहे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जब गाड़ी वगैरह चलाते हैं अपनी, तो वो लोग ना क्लच को दबाए रखे रहते हैं। अभी दिखाता हूँ कैसे वो लोग गाड़ी जो है ड्राइव करते हैं अपनी। सो जब भी वो लोग कभी गाड़ी ड्राइव करेंगे तो उनका एक हाथ ऐसे रहता है ऐसे, और ऐसे ही वो लोग क्लच दबा के गियर डाल देते हैं। सो भाई ये चीज़ मत करो, इससे क्या होता है कि जो क्लच प्लेट होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो जब दब के चलेगी ना तो वो जल्दी ख़राब होगी, उस पर ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो उसमें आपको जो है काफ़ी खर्चा आएगा। तो वो चीज़ मत करो बिल्कुल भी आप लोग भाई, क्योंकि क्लच प्लेट से जो है काफ़ी महंगी आती है। क्योंकि मैं अभी भर चुका हूँ भाई, मतलब मैं क्या मेरे भाई से ही हुआ था वो जीटी का, तो 11,000 रुपये क्लच प्लेट डाला था उसको असेंबली के साथ में, तो उसमें काफ़ी खर्चा हो गया था भाई। तो आप लोग वो चीज़ मत करो बिल्कुल भी कि क्लच दबा के गाड़ी चला रहे हो, तो ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ ये कि कुछ भाई करते हैं अपना जैसे लाइक मतलब गाड़ी चला रहे हैं ठीक है, ABS वाली गाड़ी में वो लोग ना ABS सेंसर हटा देते हैं, मतलब ABS का जो फ्यूज़ होता है वो हटा देते हैं, जिसकी वजह से क्रैश होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। क्योंकि भाई देखो ABS ना काफ़ी अच्छी चीज़ है गाड़ी चलाते टाइम, तो जब ब्रेकिंग वगैरह हम लोग अप्लाई करते हैं ना ABS के साथ में, सो वो बिल्कुल एक ना मतलब ब्रेक को जो है कट ऑफ करता है अपने पावर को, तो उस तरह से रुकती है। और वही चीज़ अगर आप अपना जो ABS का फ्यूज़ हटा दोगे ना, तो अगर आपने हार्डली ब्रेक प्रेस कर दिया गाड़ी के अंदर में, तो आपका क्रैश ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि वो ना मतलब पावर को कट ऑफ नहीं करता, वो डायरेक्ट बिल्कुल खड़ी गाड़ी रोक देता है, तो जिसकी वजह से टायर स्किड खाता है, टायर बिल्कुल भाई एकदम से पावर अब गाड़ी की रोक दोगे बिल्कुल, तो वो तो ऑब्वियसली बात है ना स्किड तो होगा ही होगा टायर। तो ये चीज़ आप मत करो बिल्कुल भी भाई कि गाड़ी स्किड हो जिससे आपको डैमेज हो गाड़ी को डैमेज हो, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल मत करो भाई। तीसरी चीज़ ये कि मतलब ये तो मैंने देखो पिछली वीडियो में बता रखा है अपनी कि आप लोग कभी भी ना जब गाड़ी पहली बार स्टार्ट करो, जब गाड़ी पूरी ठंडी हो, तो उस टाइम ना आप गाड़ी को एक बार कोल्ड स्टार्ट कर दिया करो भाई। कोल्ड स्टार्ट करने से क्या रहता है कि जो गाड़ी का इंजन रहता है वो थोड़ा सा ना मतलब स्ट्रेस नहीं लेता है, अपना तेल जो है जहाँ तक पहुँचना होता है पहुँच जाता है ईजीली, जिसकी वजह से क्या होता है गाड़ी एकदम मक्खन की तरह चलती है भाई अपनी। वही चीज़ अगर आप जैसे मान लो अपने गाड़ी स्टार्ट करी और स्टार्ट करते ही भगाना चालू कर दिया, तो उससे इंजन पर लोड पड़ेगा, इंजन को हार्म होगा ज़्यादा, तो वो चीज़ सीखनी है गाड़ी के लिए अपने। सो भाई ये चीज़ बिल्कुल मत करो,
बाकी यहाँ अपना मेला वगैरह लग चुका है सामने, रेडिसन व्यू का होटल है अपना, सो चेकआउट कर लो भाई ये सारी चीज़ें। एक बार लाइट हो जाए अपनी, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से भाई। तो क्रॉस तो नहीं करेंगे यार, चलो हो गई। हाँ तो भाई अपना जो अगला पॉइंट है वो रहेगा कि आप लोग जब कभी भी गाड़ी, मतलब मान लो अपने कोल्ड स्टार्ट वगैरह सब कुछ कर दिया, तो उसके बाद आपको गाड़ी कितने किलोमीटर तक जो है आपको मतलब चलानी चाहिए नॉर्मल तरीके से, जो भी ज़्यादा लोड ना पड़े उस पर। तो ये भी एक पॉइंट है भाई। तो जब भी आप कभी गाड़ी कोल्ड स्टार्ट करो ना, तो उसको मतलब मिनिमम अपना जो है 1 से 2 किलोमीटर गाड़ी को नॉर्मल तरीके से चलाओ, और उसके बाद थोड़ा सा आप खींचना चाहते हो तो खींच सकते हो, पर उसमें भी ना कुछ काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि आपको गाड़ी कैसे किस तरह से गाड़ी को मतलब भगाना है, तो वो सारी चीज़ें भी आप बिल्कुल ध्यान रखना। तो भाई कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब एकदम से ही ना गाड़ी को रोन देते हैं, लाइक जैसे मतलब ये तो कभी कभी मैं भी करता हूँ, बट स्टिल आप लोग मत करो भाई, क्योंकि अभी तो आप लोग बिगिनर हो, सो वो सारी चीज़ें बिल्कुल मत करो। तो दिखाता हूँ कि लोग क्या करते हैं गलतियाँ अपनी। एक बार यहाँ से पहले घुमा लेता हूँ गाड़ी को। सो ये आपकी गाड़ी है, ठीक है। आपने क्या करा भाई, थोड़ी सी गाड़ी चली, एक गियर डाउन का ये करने लगे, ये कर दिया। तो ये चीज़ नहीं करनी भाई अपने को, देखो पुलिस वाले को बिना हेलमेट के, ये चीज़ नहीं करनी भाई बिल्कुल भी अपने को। गाड़ी बिल्कुल जैसे नॉर्मल अपना धीरे धीरे भाग रही है ना, वैसे भागने तो कोई चक्कर नहीं है भाई, धीरे धीरे करके भगाओगे तो कोई लोड नहीं है अपना। इसमें अगर आप ऐसे भगाओगे बिल्कुल स्पीड में दे दोगे, एकदम से ही थ्रॉटल दोगे, तो वो चीज़ ना बहुत गलत है। कभी भी सडन थ्रॉटल मत करना गाड़ी के अंदर में भाई। और जैसे जैसे अपना गियर का मतलब लग रहा है कि गाड़ी गियर मांग रही है, तो भाई गियर डाल दो गाड़ी में। ये नहीं कि आपको लग रहा है भाई इंजन से अच्छा साउंड आ रहा है, मज़ा आ रहा है गाड़ी भगाने में, तो उसमें क्या है ना भाई, बहुत कलेश होता है उससे, इंजन डैमेज होता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब आप एक ही गियर पे हायर आरपीएम पे रखोगे ना, तो उससे स्ट्रेस पड़ता है इंजन के ऊपर में, तो वो काफ़ी दिक्कत वाली बात है भाई। सो ये चीज़ मत करो बिल्कुल भी आप लोग, कि आप लग रहा है कि हाँ भाई आवाज़ अच्छी है तो गाड़ी का बिल्कुल उसी गियर पे भगा रहे हो गाड़ी को। सो भाई अपना मैंने एक स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँगा, मैं बता देता हूँ, अगर आपकी गाड़ी 1 से 15 के उसमें चल रही है तो पहले गियर में रखो, 15 से 25 के बीच में है तो दूसरा डाल दो, 25 से 35 के बीच में है तो अपना तीसरा डाल दो, और 35 से 45 या 50 तक आप जो है चौथा डाल सकते हो। उसके बाद जो है आप गाड़ी को निकाल सकते हो भाई 5वें 6वें पे, वो आपके ऊपर है, क्योंकि उसके बाद जो है गाड़ी का गियर थोड़ा लंबा पड़ जाता है, तो उसमें इतना कुछ इशू पड़ेगा नहीं। ये सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ गियर्स के लिए होता है कि भाई अपना जो है, बंदे क्या करते हैं भाई दूसरे तीसरे गियर पे 60-70 भगाने लगते हैं। सो भाई वो जो स्पीड है वो गाड़ी के हायर गियर्स के लिए है, ना कि लोअर गियर्स के लिए। सो वो चीज़ मत करो आप लोग, ठीक है। और बहुत से लोग क्या करते हैं भाई, पैनिक हो जाते हैं, मतलब कुछ सिचुएशन में लाइक एकदम से सामने कुछ आ गया, सो पैनिक हो गए, ब्रेक मार दी। तो भाई देखो उस हिसाब से चलो मत गाड़ी को लेके, अगर ट्रैफिक वगैरह वाला रोड है तो आप स्पीड में चलो मत भाई, नॉर्मल चलो अपना, जिससे आपको भाई सडन ब्रेकिंग का की नौबत ही ना पड़े, क्योंकि अगर सडन ब्रेकिंग करोगे तो भाई देखो ऑब्वियस सी बात है गिरोगे। तो वो चीज़ मत करो बिल्कुल भी, नॉर्मल स्पीड से चल लो अपना। यार यहाँ से निकालता हूँ, हटाओ, ठीक है भाई। बाकी ब्रेकिंग कुछ लोग क्या करते हैं, हार्ड ब्रेकिंग करते हैं। हार्ड ब्रेकिंग मैंने बताया अभी, बट ये एक दूसरा हार्ड ब्रेकिंग है। इसमें क्या करते हैं बंदे कि गाड़ी भगाते हैं, अभी दिखाता हूँ, पीछे थोड़ा सा ना रश हो रखा है, सो अभी मैं कर नहीं सकता वो चीज़। लाइक गाड़ी भगा के ये कर रहे हैं भाई। इससे क्या होता है ना, जो गाड़ी के डिस्क पैड्स होते हैं ना, वो जल्दी ख़राब होते हैं, और अपना जो है जब स्पीड में इतनी ब्रेक्स मारोगे ना, तो उससे जो रिम की प्लेट होती है ना, वो जल्दी घसने के चांस रहते हैं, क्योंकि वो जल्दी जो है ना ख़राब हो जाती है उसकी वजह से। तो वो चीज़ मत करो आप लोग भाई, इसमें आपका ज़्यादा लॉस है। अगर आप भाई हार्ड ब्रेकिंग कर रहे हो, बार बार झटके मार मार के ब्रेक दबा रहे हो, तो इससे ब्रेक पैड जल्दी जाएगा, ठीक है, डिस्क का जो मतलब जो रिम है वो भी जल्दी ख़राब होगा, रिम कह रहा हूँ, डिस्क का जो प्लेट है तो वो भी ख़राब होने का चांसेस बन जाता ज़्यादा। तो ये सब था भाई कुछ वीडियो में अपना, जो मैंने बताया सारी चीज़ें आपको। तो ये सब सिर्फ बिगनर्स के लिए है, क्योंकि भाई मतलब कुछ तो मतलब एक्सपर्ट्स भी जो वो भी कर देते हैं सारी गलतियाँ,
पर उनके पास में सुपर बाइक्स भी होती है बहुतों के पास में, तो उसमें तो चलो चल जाता है क्योंकि उसका इंजन ही ऐसा बनाती है कंपनी। बट इसमें सुपर बाइक का इंजन नहीं है, तो भाई इसको सुपर बाइक मत समझो, नॉर्मल बाइक की तरह ही चलाओ अपना, ताकि इंजन की लाइफ बनी रहे अपने। बाकी ये वीडियो बन कैसा रहा है मुझे भी नहीं पता, अभी सारी चीज़ें जाके चेक करूँगा वहाँ पे एक जगह पे लगा के, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि हाँ भाई वीडियो अगर आज का ठीक रहा ना तो फिर बढ़िया है भाई, फिर तो कोई लोड ही नहीं किसी चीज़ की। और अंधेरा हो गया यार, कुछ ना समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाना, सारा दिन सो रहा था मैं घर पे बैठ के अपना आराम से, तो वीडियो बनाने के कुछ समझ ही नहीं आया टॉपिक वगैरह, इसलिए कुछ डाल ही नहीं रहा था। पर एकदम से दिमाग में आया कि चल ये टॉपिक ठीक है बनाने के लिए भाई, तो इस पर बना देते हैं वीडियो। तो मैं आ गया निकल के घर से, उठा और इसलिए चल दिया तुम्हारा भाई वीडियो बनाने के लिए। तो बाकी मेरी गाड़ी के क्लच थोड़ा सा हार्ड है रखा है अभी, तो उसको जाके थोड़ा रिलीज़ कराऊँगा, मतलब थोड़ा सा फ्री करूँगा, क्योंकि हार्ड में ना थोड़ा डर रहता है। तो भाई देखो ऐसे ध्यान रखना पड़ता है रोडों पे भी, कभी भी कोई भी निकल सकता है अचानक से, तो गाड़ी को उसी स्पीड में चलाओ जितना तुम कंट्रोल कर पाओ गाड़ी को। अगर स्पीड में चला रहे हो तो कंट्रोल करना भी सीखो भाई, वैसे स्पीड में चलाओ मत, इसको देखो बेमतलब में उड़ रहा है। तो ऐसे नमूने बहुत मिलते हैं भाई, 100 cc की स्कूटी है उसी को रौंद रखा बंदे ने, हूँ कर रहा है। बाकी जो चीज़ हम डालते हैं भाई देखो, वो चीज़ थोड़ा सा मतलब हम खुद एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं सारी चीज़ें, इसीलिए हम लोग अपलोड करते हैं ताकि आप लोग जो है बाद में वो गलतियाँ ना कर सको। तो हमारा काम है आप लोगों को सही चीज़ गाइड करना। तो भाई बंदों को ये चीज़ पसंद नहीं आती, बंदों को चाहिए होता है क्रिंज कॉन्टेंट, क्यूट गर्ल रिएक्शन, उसके बाद चाहिए होता है बंदों को भाई आपस में रोड रेस करते हैं, स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं सारी, उनमें मज़ा आता है लोगों को देखने में। ये सारी चीज़ें भाई हम करते नहीं हैं और हमें शौक भी नहीं है सारी चीज़ें करने का, अपना भाई एक बंदों को गाइड करना काम है, तो अपन सिर्फ गाइड करेंगे बंदों को। और तो चलो भाई ये वाला वीडियो यहीं पे एंड कर देते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव उसका आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले। तो चलो फिर गाइस मिलते हैं, बाय बाय, स्टे सेफ स्टे ट्यून्ड।